तो फ्रेंड ये हमारा फायरवॉल का पार्ट 9 है और फायरवॉल रूल टॉपिक के अंदर हमारा तीसरा पार्ट है ये। तो बेसिकली मैंने कुछ वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि फायरवॉल रूल क्या होता है यहाँ पर। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6, 7 और 8 वीडियो देखकर ही ये वीडियो देखे तो तभी आपको पता चलेगा। तो अगर आप फायरवॉल रूल पार्ट 3 देख रहे हैं तो ये पिछली वीडियो का ये कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो। तो फायरवॉल रूल पार्ट 2 देखने के बाद ही ये फायरवॉल रूल पार्ट 3 देखे तभी आपको ये पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो फायरवॉल का जो ये वीडियो है वो टॉपिक है बेसिकली फायरवॉल रूल के ऊपर। जो हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किया था, हमने कुछ जानकारी ली थी, उसी जगह से ये स्टार्ट होगा ये वीडियो। तो मैंने यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी हमारे वीडियो होते वो पार्ट वाइज होते हैं। तो जो भी आप वीडियो देखते हो वही मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि पार्ट वाइज होते हैं यहाँ पर। तो कब वन बाय वन आप देखिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अलग अलग फायरवॉल रूल के कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ की कंडीशंस होती है यहाँ पर। तो किस चीज़ को कॉन्फ़िगर करना है, किस चीज़ को मैनेज करना है, सब कुछ यहाँ पर फायरवॉल रूल के अंदर मेंशन करना पड़ता है। और रूल क्यों क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया था फायरवॉल के अंदर। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद ही ये फायरवॉल रूल का पार्ट 3 देखिए तभी आपको पता चलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट पेड ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर। ओके तो क्या होगा कि मेरा नॉट पेड का ये जो सॉफ्टवेयर है ये कभी भी हमारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही कोई नेटवर्क एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो नॉटपैड प्लस प्लस का आप देख सकते हो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को जैसे मैंने ओपन करके बताया आपको कि ये सॉफ्टवेयर जो है क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा हमारे कनेक्शन को। तो कौन सा कनेक्शन को ब्लॉक करेगा, ये हमारे नॉटपैड के कनेक्शन को बंद कर देगा या फिर नॉटपैड का। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या एक तरह की लिंक है, तो ये लिंक जो है लिंक पर नहीं जा पाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप ओपन करने की कोशिश भी करोगे तो यहाँ पर वो ओपन पर नहीं होने देगा। 100% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो वो हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमने इनबाउंड के अंदर हमने टूल बनाया है। तो हम यहाँ से सामने की सर्वर के ऊपर नोटपेड के सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, लेकिन हो सकता है कि बाहर से नोटपेड का यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर एंटर हो। तो उसी तरह से हम जो आउटबाउंड में हमने क्रिएट किया था रूल, वही हम रूल करेंगे क्रिएट इनबाउंड के अंदर। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है यहाँ पर तरह की। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमें यहाँ पर हमने किया था। तो फिर से उसी तरह से हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे तरफ से ये होना चाहिए। हमारे तरफ से ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करोगे तो पूरे प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा ही प्रोग्राम हो इस पर मैं इफेक्ट पर यूज़ करूँ। तो मैं देख सकती हूँ कि मैं नोटपेड, तो हमें कोई भी हमें सॉफ्टवेयर को बंद करना होता है या तो उसको ब्लॉक करना होता है, तो उसकी फाइल कहाँ पर होती है, पार्टीशन सी के अंदर होती है, जो हमारा मेन डेटा का पार्टीशन होता है वो। फिर हम इन दोनों में से नोटपेड को ढूंढेंगे, तो नोटपेड का नोटपेड प्लस प्लस का फोल्डर देख सकते हैं यहाँ पर, कि हमें ई फाइल हमें ढूंढनी है तो पहले बाहर ही होती है, यहाँ पर कोई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकती है एक सी फाइल बहुत सारी टाइप की हो सकती है आपके अंदर, लेकिन जैसे आप मेन कोई फोल्डर ओपन करते हो प्रोग्राम का, वो उसी के अंदर यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर कुछ ढूंढना होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा होता है। ओके तो ये भी एक यहाँ पर एप्लीकेशन, लेकिन अनइंस्टॉल करता है, और ये मेन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर फाइल है, तो हम सॉफ्टवेयर का फाइल ही ओपन करेंगे। ओके नेक्स्ट करूँगा, मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप बोलेगा यहाँ पर कोई भी मतलब क्या करना है हमें, तो कोई भी हमारे नेटवर्क के कोई भी नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो। मैंने कहा था कि बहुत सारे यहाँ पर प्रोटोकॉल होते हैं, यहाँ पर IP वर्जन 6, IP वर्जन 4, यहाँ पर LTTP, बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे कोई भी प्रोटोकॉल का टाइप हो, मुझे कोई भी प्रोटोकॉल मुझे यहाँ पर क्या होता है मुझे बंद कर देना है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि कोई भी पोर्ट हो, किसी भी पोर्ट हो, जैसे कि LTTP हो, या फिर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल हो, या फिर अपीपा प्रोटोकॉल हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, वो प्रोटोकॉल को मैं ब्लॉक कर दूँ।
फिर लोकल पोर्ट, तो आपने जो भी कोई भी आप सेलेक्ट किया है तो उसी तरह से वही आप, लेकिन मैं नहीं रखूँगा। फिर आपको बताना कि रिमोट पोर्ट है, तो रिमोट पोर्ट क्या होता है कि हम जो रिमोट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए भी होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट करूँगा तो वो हमें स्कोप बताएगा कि आईपी एड्रेस, कौन से आईपी एड्रेस के ऊपर आपको ब्लॉक करना है इस आउटबाउंड रूल्स को। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी आईपी एड्रेस के ऊपर, कोई भी आईपी एड्रेस पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा आईपी एड्रेस जो मुझे आईपी एड्रेस जो ये रूल क्रिएट करना है लेकिन लोकल आईपी एड्रेस के ऊपर, लेकिन मुझे इस तरह से यहाँ पर जैसे देखिए रिमोट आईपी एड्रेस पर करना है तो रिमोट आईपी एड्रेस भी जो कर सकता हूँ। रिमोट आईपी एड्रेस पर भी आप चाहते हो कि एनी कोई भी मेरा रिमोटली एक्सेस करता है तो उसको ये सॉफ्टवेयर यूज़ ना हो, ये सॉफ्टवेयर यूज़ ना करने दूँ, तो उसको ब्लॉक कर सकते हो आप एनी। लेकिन मुझे कैसे भी कोई ऐसा आईपी एड्रेस है जो कंप्यूटर का, कोई भी ऐसा कोई आईपी एड्रेस है जो मेरा कंप्यूटर यूज़ कर सकता है या फिर उसको ब्लॉक कर सकता है हम, जैसे कि आपको कोई कंपनी के कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो जानबूझकर आपके कंप्यूटर में लॉगिन होता है, या तो फिर कोई ऐसा कोई आपका नेटवर्क कंप्यूटर का है जो इस आईपी एड्रेस पर आते ही वो गलत यूज़ करता है, मिस यूज़ कर सकते हो, इस कनेक्शन को आप ब्लॉक कर सकते हो आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर नहीं, आप इस कंप्यूटर के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर सकती हो। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ 192.168.112.121। तो ये क्या है आईपी एड्रेस का, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देना या तो फिर कोई भी हो, लेकिन मैं बेसिकली आपको भी कह देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा आईपी एड्रेस हो, हम इसको उस कंपनी के प्रोग्राम के थ्रू या कोई भी प्रोग्राम का यहाँ पर सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो उस पर्टिकुलर वो उस प्रोग्राम के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के ऊपर मुझे इसको ब्लॉक करना है तो मैं ब्लॉक करूँगा। ओके, तो ये क्या होता है कि एक तरह का यहाँ पर यही रूल के ऊपर, यही आईपी एड्रेस के ऊपर ये रूल हो जाएगा, यहाँ पर इसी नोटपैड का रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक कोई रेंज हो, रेंज में देख सकते हो यहाँ पर कि फ्रॉम और टू दोनों में जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर ये आएगा, जो 192.168. मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस लेता हूँ, आपको डायरेक्टली समझ में आए, तो 10.10.20.21 10.121 141.51। ओके, ये एक आईपी एड्रेस है, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है, ध्यान में रखो। और ये आईपी एड्रेस स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जैसे देखिए 10.121.141.51 में दिया है 55। अब जैसे कि 51 और 55 दोनों एक ही आईपी एड्रेस की रेंज में है, 10 के अंदर एक ही क्लास के आईपी एड्रेस के अंदर रेंज है, लेकिन ये जो देख सकते हो यहाँ पर कि पांच कंप्यूटर, मतलब 1 है और 5, मतलब फर्स्ट और 5, मतलब पांच कंप्यूटर के अंदर ये रूल क्या हो जाएगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। कोई भी मेरा नोटपैड के कनेक्शन के को यूज़ नहीं कर पाएगा, नोटपैड को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर आईपी एड्रेस की रेंज जो है सेट हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो कि 51 to 55। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरा कंप्यूटर जो यूज़ करते हो या फिर मैं चाहता हूँ कि इस आईपी एड्रेस के अंदर मैं बंद कर दूँ इस कंप्यूटर को, तो मैं बंद कर सकता हूँ यहाँ पर ओके कनेक्शन को, लेकिन मुझे कोई भी आईपी एड्रेस हो कोई भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सारे आईपी एड्रेस के ऊपर ब्लॉक करना है यहाँ पर, तो मैं ब्लॉक करूँगा एनी आईपी एड्रेस के ऊपर। तो मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए स्पेशल, आपको कोई सेलेक्ट करना है आईपी एड्रेस के थ्रू कोई कनेक्शन को, या तो फिर आपको कोई रिमोट आप यूज़ करते हो रिमोट कनेक्शन, तो रिमोट कनेक्शन को भी वही इस तरह से आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी आईपी एड्रेस पर क्लिक करना है तो आपको एनी आईपी एड्रेस पर क्लिक करना होगा, मैं एनी आईपी एड्रेस पर बता रहा हूँ। और दूसरा मैंने आपको एनी आईपी एड्रेस बता दिया, नेक्स्ट करूँगा देख सकते हो कि यहाँ पर अलाउ कनेक्शन, तो मैं कस्टम मैंने बताया था आपको क्या होता है। ओके, तो मैं इसको ब्लॉक कर देना चाहता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। प्रोफाइल बोल रहा है यहाँ पर, प्रोफाइल कह रहा है यहाँ पर, प्रोफाइल के अंदर क्या बता रहा है, कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हो, ये
कौन से नेटवर्क के ऊपर, डोमेन के नेटवर्क के ऊपर, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, पब्लिक में, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कंप्यूटर है कंपनी के अंदर काम करता है, तो बेसिकली वो होगा डोमेन के अंदर और पब्लिक के अंदर भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी हो सकती है कि आपको पब्लिक अंदर एंटर करो, लेकिन जैसे कि ये प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट ही रखूँगा और मैं इसको नेस्ट कर दूंगा, उसका मैं नेम देता हूँ यहाँ पर। तो फिर से मैं पीछे आपको बताया था कि क्या होता है, नाम देने से मैं पता चल जाता है। तो नोट पे प्लस प्लस मैंने एंटर किया, ओके, अब मैंने एंटर करके मैंने क्या किया, उस कनेक्शन को सेट कर दिया है। दे सकते हो यहाँ पर वो ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं देना था, डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टीज़ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर उस रूल का यहाँ पर छोटा सा विंडो आ चुका है, विंडो बना दी है यहाँ पर फायरवॉल ने। तो ये क्या करता है, ये एक्शन देता है यहाँ पर हमें और नए बेनिफिट को। तो स्कोप क्या होता है, जनरल क्या, तो जनरल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हो आप हमारा नाम आता है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमें बताता है कि यहाँ पर कनेक्शन क्या है, कनेक्शन का काम क्या है। तो ब्लॉक नॉट पेड, जैसे तो नॉट पेड मैंने ब्लॉक करके रखा है, ओके। और फिर मैंने इसको इनेबल रखा है, इनेबल रखा है, अगर डिसेबल कर दो तो यहाँ पर ग्रीन लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर जैसे कि ये रूल्स है, ये ब्लॉकिंग करने का रूल्स है, यहाँ पर अप्लाई अलाउ करने का रूल्स है, अभी मैं बताऊँगा किस तरह से होता है यहाँ पर। तो अलाउ द कनेक्शन, अलाउ करना है अभी भी, जो आपने ब्लॉक तो कर रखा है तो आपको उसको अलाउ करना है, तो अलाउ कर सकते हो, या तो फिर वही यहाँ पर ऑप्शन आएगा जनरल के अंदर। फिर आपको प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स, मैंने आपको कहा था कि कौन से प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करना है, तो मैं एनी किया था, ओके, डिपेंड है आपके ऊपर। प्रोग्राम एंड सर्विसेज कौन से प्रोग्राम के ऊपर है, ओके, तो और प्रोग्राम पर करना है तो कर सकते हो यहाँ पर, एप्लीकेशन की यहाँ पर जी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको फाइल कही थी, ओके, तो फाइल को ढूंढने के बताया था मैंने आपको, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ ऐड हो चुकी है यहाँ पर, एप्लीकेशन पैकेज और सर्विसेज। तो एप्लीकेशन पैकेज क्या होते हैं कि जो हमारी नोटपैड का सर्विसेज होता है, नोटपैड के जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं यहाँ पर, प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर हम जब कोई फाइल सेव करते हैं या तो फिर हम उसको नेटवर्क के अंदर चलाते हैं, कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर काम करते हो, तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि नोटपैड के अंदर जितने भी हमारे जो उसकी डोमेन के रिलेटेड जो भी पैकेजेस आते हैं, पैकेजेस में उसके डेटा आते होंगे, उसको कहते हैं यहाँ पर प्रोग्राम डेटा, ओके। तो हर इंजीनियर जो कोई भी ना कोई हमारा प्रोग्राम इंजीनियर होता है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो अपनी वेबसाइट जो होता है वो एंटर करता रहता है। क्यों करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा जो भी यहाँ पर अपडेशन हो, जो भी अपडेट हो मेरे, वो मेरी वेबसाइट के थ्रू, ताकि उसके अंदर दो तरीके उसको फ़ायदा होता है। पहला तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक रहता है, और दूसरा कि यहाँ पर जो भी यूज़र होता है वो डायरेक्टली डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर विजिट करे और उसे और अच्छी तरह से बेनिफिट मिले। तो यूज़र को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है यहाँ पर प्रोग्राम इंजीनियर। तो प्रोग्राम इंजीनियर का यही काम होता है कि ज़्यादातर अपने यूज़र को अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करना।
और इस रूल को अप्लाई करना है कौन से नेटवर्क के ऊपर, डोमेन नेटवर्क के ऊपर, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, तो वही चीज़ ऐसे है। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस टाइप जो है नया आया है यहाँ पर, लेकिन इंटरफेस टाइप के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी रूल अप्लाई करते हैं तो नेटवर्क के अंदर कौन से टाइप के अंदर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसको ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कर ऑल इंटरफेस, मतलब इथरनेट हो सकता है, RJ45 का जैसे जो केबल होता है वो, फिर चाहे वो लोकल कंप्यूटर के अंदर हो, चाहे वो कंपनी के कंप्यूटर के अंदर हो, तो वायरलेस को किस तरह से बंद करें, ये जो वायरलेस सेटिंग्स है आप देख सकते, वाईफाई का मेरा टेस्ट सेटिंग्स है, तो इसके ऊपर कैसे के मैं बंद करूँ। तो क्या होता है कि अगर मुझे वायरलेस पर ही बंद करना, तो वायरलेस पर क्लिक करूँगा और बंद कर दूंगा इस नोटपैड को। रिमोट एक्सेस पर करना है तो कर सकता हूँ, लोकल एंड प्राइवेट एरिया पर कर सकता हूँ यहाँ पर, कि मैं चाहता हूँ कि पूरे नेटवर्क के ऊपर ही बंद हो जाए तो यहाँ पर नेटवर्क। ये क्या है, PCFI नेटिव नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क का यहाँ मेन यहाँ पर सर्विसेज होता है, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, डोमेन नेटवर्क, लेकिन ये जो है वो बेसिकली हमारा मेन नेटवर्क जो होता है वो यही होता है यहाँ पर वायरलेस। अगर आपका वायरलेस एडेप्टर चालू है तभी तो ये आप किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे, अगर आपका इंटरनेट पोर्ट चालू है तभी तो आप किसी प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाओगे, या फिर डोमेन के अंदर कनेक्ट हो जाओगे, लेकिन ये मेन चीज ही नहीं चल रही तो आप कैसे कनेक्ट हो गए नेटवर्क के अंदर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का यहाँ पर, तो हम फायरवॉल का ये पार्ट 4 के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर फायरवॉल के अंदर इसका पार्ट 10 होगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये वीडियो लंबा होने के कारण मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि फायरवॉल के अंदर कुछ और भी यहाँ पर लास्ट जो सेटिंग्स बाकी रह गई है यहाँ पर, कुछ फीचर होंगे यहाँ पर। तो ये जो फायरवॉल का ये पार्ट 10 होगा यहाँ पर, उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हमें फायरवॉल को यहाँ पर और भी अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पर। तो फायरवॉल का रूल जो पार्ट 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। तो मेरी हर वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो प्लेलिस्ट में अलग अलग यहाँ पर वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के साथ यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में भी, और भी यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और भी नए नए टॉप और भी नए नए टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी होती है यहाँ पर बेसिकली। तो जो भी आप देख सकती हो यहाँ पर पार्ट वाइज ही देखोगे आप तो आपको पता चलेगा यहाँ पर, अगर पार्ट वाइज नहीं देखोगे तो आपको बीच में से कोई भी आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।